सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज देश में आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, शिक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से, और जो करंट टॉपिक है विदेशों के साथ आपसी संबंध की दृष्टि से, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण बना हुआ है। ये सच है कि भारत आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर को छू लेने वाले ऋषियों का देश है। हमारे हीरो, हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल और हमें नहीं पूरी मानवता को एक दिशा देने वाले हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता, अर्थात जो केवल देते हैं लेते नहीं हैं, ऐसे पूरी मानवता के मसीहा हमारे पूर्वज रहे हैं। और ऐसे ही दिव्य पुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महायोगी शिव, महाशक्ति जगन माता दुर्गा, बुद्धि और बल के साक्षात अवतार हनुमान इत्यादि। ये हमारे आदर्श, हमें पैदा होते ही लोरियों में ही इन महामानवों की गाथा सुनाई जाती है, और जब थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी दादी नानियां रामायण और महाभारत की कहानियां हमें ऐसे ही खेल खेल में सुना के बड़ा करती हैं। स्वभाव से ही हम मानवता के पुजारी, अहिंसक, शिक्षा प्रेमी, ज्ञान प्रेमी, कला प्रेमी और दूसरों की सेवा करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि यदि आप हमारे आदर्शों को देखेंगे तो आपको उनके हाथों में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी दिखाई देंगे। श्री राम जी के हाथ में धनुष, योगेश्वर कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, हनुमान जी के हाथ में गदा और देवी दुर्गा के हाथ में तलवार और त्रिशूल, दो दो डबल, ये सारे इसके प्रमाण हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है, इसका अभिप्राय यही है कि हम शास्त्र पढ़ने के तो शौकीन है, वो हमारा स्वभाव है, लेकिन शास्त्र पढ़ने के साथ साथ यदि आवश्यकता पड़े तो हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं और उठाते हैं। और वो शस्त्र फिर तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि वो पूरी अमानवता का, असुरता का, अधर्म का, अज्ञान का विनाश जब तक ना कर दें। तो गीता जी जैसा पवित्र शास्त्र जिसको भारत के सभी संप्रदाय, सभी मत पंथ धर्म के लोग, एक समन्वयात्मक ग्रंथ है ये, जिसको सब स्वीकार करते हैं, जिसका सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और यहां तक कि न्यायालयों में भी गीता पे हाथ रख करके शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच सच कहूंगा। जज भी ऐसे बोलता है और जो केस लड़ने वाले हैं, वकील हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो पिछले कई दिनों से हम इसी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने
ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, अभी भक्ति योग चल रहा है हमारा। तो ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना करके हमें ये पवित्र ग्रंथ यही सिखा रहा है कि आतताई चाहे वो दूसरे देश का हो, चाहे अपने देश का हो, और यहां तक कि चाहे अपने घर में भी क्यों ना हो और चाहे अपने शरीर में भी क्यों ना हो, उसका नाश करना ये हमारा परम धर्म है। हम देखते हैं इतिहास में रावण और उसके सहयोगी असुर तो विदेश में रहने वाले थे, लेकिन कौरव तो अपने ही देश में रहने वाले, बल्कि अपने ही परिवार में रहने वाले लोग थे। तो भी योगेश्वर कृष्ण जैसे महायोगी ने, जो कि ज्ञान के बल के साक्षात अवतार हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति ने भी अपने ही घर में उन आतताइयों का निर्वाण करने के लिए एक सेना को तैयार कर दिया। कुछ लोगों को देखने में वो थोड़े थे, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक नैतिक चरित्र का जो बल था वो इतना ऊंचा था कि उसको हम यहां धर्मयुद्ध कहते हैं। तो हमारे यहां धर्मयुद्ध करने वाला वतन की सीमा पर तैनात कोई सिपाही हो, या अंतःकरण की सीमा पर तैनात कोई संत हो, दोनों का एक ही धर्म है। दोनों को यही सिखाया जाता है, हतोवा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय दृढ़ निश्चय। तो क्योंकि असुर जो है वो तो इसी देह में और इसी जन्म में विश्वास करने वाले होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव क्या है कि इस शरीर को और इस जीवन को ऐसा बनाओ जो सबसे ऊपर है। हम किसी की सुनते नहीं हैं, हम किसी के सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसा आचरण करके वो देवों को छेड़ तो देते हैं, लेकिन जब उनकी जान पे बन आती है तो फिर वो पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, जैसा कि आजकल पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन यहां तो आत्मा को और जीवन को अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत सिखाया जाता है हमें, तो इसलिए एक संत के लिए और एक सिपाही के लिए, एक योद्धा के लिए और एक योगी के लिए, इस शरीर की मृत्यु कपड़े बदलने से ज्यादा कुछ नहीं होती है, केवल कपड़े बदलने जैसा होता है हमारे लिए। इसलिए योगी और योद्धा कभी भी मृत्यु से डरते नहीं है, बल्कि ये कहें कि वो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं करते हैं, वो अमर होते हैं, क्योंकि हम अमर आत्मा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सत्य है, शांति में शिव हैं हम, अशांति में प्रचंड रुद्र। शिव शांति का देवता माना जाता है, सदा ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन जिस समय उनकी तीसरी आंख खुल जाती है तो सारी सृष्टि में भूकंप आ जाता है। ऐसा ही देश हमारा भारत है। तो इसमें ये केवल देवों की नहीं, इसमें शरीरों का भी भेद नहीं है। वो शरीर चाहे पुरुष का हो या किसी मां का हो, बल्कि मां का शरीर और ज्यादा खतरनाक होता है, जहां सारे देवी देवताओं के चार हाथ दिखाए जाते हैं, वो प्रतीक रूप हैं। तो वहीं पर देवी दुर्गा के आठ हाथ दिखाए जाते हैं, क्योंकि मां जहां एक तरफ करुणामयी है, ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, जीवनदात्री है, जन्मदात्री है, तो वहीं पर ही जिस दिन वो शस्त्र उठा लेती है, उस दिन फिर वो महाकाली, महादुर्गा, रणचंडी बन जाती है, फिर वो महारानी लक्ष्मीबाई, चेनम्मा, झलकारी बन जाती है। और ये कोई हम कोई इतिहास सुना करके केवल बातें बना रहे हों, ऐसा नहीं है। अहिल्या का बहुत थोड़े वर्ष पहले का इतिहास है,
जिसने अपने ही पुत्र को, जब वो आतताई हो गया था और वो रानी थी मध्य प्रदेश में उस समय, अपने ही पुत्र को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। और उससे भी आगे यदि हम बिल्कुल करंट आज की बात करें, आज के भारत की बात करें, तो आज भी इस समय इतने विशाल देश की विदेश मंत्री और रक्षा सुरक्षा मंत्री दोनों ही महिलाएं हैं, दोनों ही मातृशक्ति। तो ये मुझे कहते हुए एक शकुन भी लग रहा है, एक रिलैक्स का अनुभव हो रहा है कि 14 फरवरी मंगलवार को, अभी जिस दिन हमारे 40 से ज्यादा शहीदों का नापाक इरादे से रक्त बहाया गया था, तो मुझे याद आ रही है उस समय की महाभारत की द्रौपदी की कहानी, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण किया गया था, तो उस समय उसने अपने केश खोल करके एक प्रतिज्ञा ली थी और उसने कहा था कि मैं जब तक इन आतताइयों के रक्त से अपने बाल नहीं धो लूंगी, तब तक मैं बांधूंगी नहीं अपनी चोटी को। तो आज 12 ही दिन हुए थे, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई जाता है इस दुनिया से तो 12 दिन के बाद उसकी विधवा, उसका सिर 12 दिन के बाद धोया जाता है। तो जिन आतताइयों ने उस मिट्टी के ऊपर वो रक्त गिराया था, उन्हीं के सिर से हम, उन बहनों ने ठीक 12 दिन के बाद अपना सिर धोया, ये देख के शकुन भी मिलता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और पंजाब में तो बहनों को वीरों वाली कहा जाता है, अर्थात वीरों को बनाने वाली। तो 14 फरवरी 2019 मंगलवार को शहीदों की शहादत पर आतंकवादियों के नाम लेकर और पाकिस्तान के वजीर को हिजड़ा कहकर बिंदास बोलने वाला, उन्हें जिंदा या मुर्दा भारत लाया जाए या लादेन की तरह वहीं दफन कर दिया जाए, ये वाणी बोलने वाला भारत का एकमात्र संत और सिपाही, योगी और योद्धा, पुरुषार्थी और परमार्थी हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज थे। और संतों की योजना असरकारी होती है, लेकिन बहुत असरकारी होती है, असर करने वाली होती है। तो उनके पावन सानिध्य में महिला पतंजलि योग समिति की लाखों बहनें पूरे देश भर में अपने अपने वर्ण आश्रम का निर्वहन करते हुए एक निर्भीक योगिनी और योद्धा की तरह से सेवारत हैं। एक योद्धा की गोली में और एक योगी की बोली में बहुत प्रभाव होता है, बहुत असर होता है उसमें, और दोनों एक ही काम करती हैं, असुरता का, अधर्म का, अज्ञान का विनाश करती हैं। और इसी टारगेट को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे गुरुदेव और उनके साथ हमारे करोड़ों भाई बहन पूरे देश भर में इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ गुरुकुल में हम सब भाई बहन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस सारे वायुमंडल को देखते हुए महिला पतंजलि योग समिति की बहनों के हृदय में इस समय क्या उद्गार अभिव्यक्त होना चाह रहे हैं, इसको हम देखते हैं एक वानगी के रूप में।
आगे मैं पीछे भैया पग पग बढ़ती जाऊंगी जाऊंगी। आगे मैं पीछे भैया पग पग बढ़ती जाऊंगी जाऊंगी। लाज वतन की रखने को ना पीछे कदम हटाऊंगी हटाऊंगी। लाज वतन की रखने को ना पीछे कदम हटाऊंगी हटाऊंगी। नहीं माँ का दूध लजाऊंगी मेरा वादा है ये आज। मैं भी चलूंगी भैया तेरे साथ। बन के भवानी दुर्गा भैया रुद्र रूप बन जाऊंगी बन जाऊंगी। बन के भवानी दुर्गा भैया रुद्र रूप बन जाऊंगी बन जाऊंगी। चिनम्मा झलकारी लक्ष्मी बन कर खड़ग चलाऊंगी चलाऊंगी। मैं चिनम्मा झलकारी भारत माता की जय खातिर सारे सुख टुकराऊंगी टुकराऊंगी। भारत माता की जय खातिर सारे सुख टुकराऊंगी टुकराऊंगी। वीर शहीदों की गाथा मैं घर घर में पहुंचाऊंगी पहुंचाऊंगी। इन वीर शहीदों की गाथा घर में पहुंचाऊंगी पहुंचाऊंगी। और
गवाऊंगी हो रही देश में रात, मैं भी चलूंगी भैया।